आर्मी के प्रमुख और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की तरफ से मध्य प्रदेश के अंदर अपनी प्रत्याशी सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ने की तारीखों का ऐलान अब कुछ महीने बाद होने वाला है और उसमें चंद्रशेखर आजाद ने लगभग आपको बता दें कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया है। पिछले दिन 2-3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए गए थे, अब आपको बता दें कि 6 सीटों पर और प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। खुद भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने बाकायदा इसके लिए प्रेस नोट जारी किया है और प्रेस नोट जारी करके आपको बता दें कि पार्टी के अंदर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी की तरफ से मिल रही प्रत्याशियों की सूची के अनुसार विनोद यादव को सांवेर की जो सीट है इंदौर जिले के अंतर्गत वहां से टिकट देकर मैदान में उतारा। अनिल सिंह गुज्जर को दमनी सीट मुरैना से मैदान में उतारा है। दौलत प्रताप लोधी को मुंगावली अशोकनगर जिले की सीट है वहां से मैदान में उतारा है। राधेश्याम बघेल को अटेर भिंड की जो विधानसभा सीट है वहां से मैदान में उतारा है। मारवल सिंह शमशादाबाद की विधानसभा सीट जो विदिशा जिले में आती है वहां से उनको उतारा है। दत्तू मेड़े को बुरहानपुर की जो सीट है विधानसभा की वहां से आपको बता दें कि मैदान में उतारा है। तो ये कुल मिलाकर 6 लोगों की प्रत्याशी सूची आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के द्वारा जारी कर दी गई है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने आपको बता दें कि सूची को जारी करते हुए अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अंदर एक साथ होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त मध्य प्रदेश के अंदर चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और संविधान बचाओ यात्रा के दौरान ही उन्होंने अपने प्रत्याशी सूची जारी कर दिया। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल।